फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 12 सारा गणित के वीर। आज हमें लेसन नंबर 12 का अभ्यास करना है। तो बात सन 1897 की है, बात है वो 1897 की है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में 12,000 अफगानों ने हमला कर दिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में 12,000 अफगानों ने उसने हमला कर दिया था। क्यों कर दिया था? तो कि वे गुलिस्तान और लोकहाट के किलों पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने अफगानों ने इसलिए हमला कर दिया कि वे गुलिस्तान और लोकहाट पर उसके जो किले हैं उस किलों पर कब्जा करना चाहते थे, हक जमाना चाहते थे। एक किले महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाए थे। जो ये किला है वह किला महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाए थे। इन किलों के पास आरागढ़ी में एक सुरक्षा चौकी थी। इस किलों की सुरक्षा के लिए किलों के पास एक सारागढ़ी में एक सुरक्षा चौकी भी बनाई गई थी सुरक्षा के लिए, जहां पर 36 रेजिमेंट के 21 जवान तैनात थे। तैनात मतलब नियुक्त करना, पहरे पर रहना। तो इस किलों की सुरक्षा के लिए इस चौकी पर जहां 36 रेजिमेंट के 21 जवानों को वहां नियुक्त किया गया था। ये सभी जवान माझा क्षेत्र के थे और सभी सिख थे। वहां जो जवान थे वे जवान क्षेत्र के सभी सिख थे और माझा क्षेत्र में सिख थे। 36वीं सिख रेजिमेंट में केवल साबत सूरत जो केशधारी हो सिख भर्ती किए जाते थे। वहां जो केशधारी हो वहां उसकी भर्ती की जाती थी। ईश्वर सिंह के नेतृत्व में तैनात इन 20 सिख जवानों को पहले ही पता चल चुका था कि इस लड़ाई में उनका जिंदा रहना नामुमकिन है। नामुमकिन मतलब अशक्य। तो ईश्वर सिंह थे वो नियुक्त थे और उसको 20 जवानों को पहले पर रखा, तब उसको पता चल गया था कि इस लड़ाई में उनका रहना मतलब उसको जिंदा रहना अशक्य है, नामुमकिन है। 21 थे और अफगानों 12,000, ये जो है वो 21 थे और अफगानों है वह कितने थे? तो 12,000 थे। फिर भी इन रणबांकुरों ने लड़ने का फैसला किया। फिर भी उसने हिम्मत रखकर उसने लड़ना फैसला किया। उन्होंने सोचा मृत्यु का वरण तो रहना ही है, तो लड़ते लड़ते करेंगे। वरण मतलब चुनना। तो उसने सोचा कि मृत्यु तो चुनना ही है, तो लड़ते लड़ते करेंगे और कुछ दुश्मनों को मारकर मरेंगे। उसने सोचा रणकुबोर ने कि हमें लड़ना ही है और उन्होंने लड़ते लड़ते उन्होंने कहा कि मृत्यु का चुनना करना ही है। वरण मतलब चुनना, तो मृत्यु का तो वरण मतलब चुनना तो जरूरी है, मृत्यु तो करना ही है, तो लड़ते लड़ते क्यों नहीं करेंगे। उसने कहा कि मृत्यु तो आना ही है, तो हम लड़ते लड़ते करेंगे और कुछ दुश्मनों को मारकर हम मरेंगे। उसने हिम्मत रखी कि हमें लड़ाई तो लड़नी ही है, दुश्मनों को मारकर हम मरेंगे। 12 सितंबर 1897 को सिखलैंड की धरती पर एक ऐसी अद्भुत मतलब अनोखा लड़ाई हुई जो दुनिया की 5 महानतम लड़ाइयों में शामिल हो गई। उसके बाद 12 सितंबर 1897 को सिखलैंड पर धरती पर ऐसी अद्भुत मतलब अनोखी लड़ाई हुई कि जो दुनिया की 5 महानतम है वो लड़ाइयों में वह लड़ाई है वो शामिल हो गई। पेज नंबर 75। बड़ी भीषण लड़ाई हुई, बहुत जोरदार लड़ाई हुई।
अदम्य साहस का परिचय दिया। 21 सिख जवानों थे, उसने साहस का परिचय भी दिया। उसे हिम्मत नहीं हारी थी, उसने साहस दिया। लगभग 1400 अफगान मारे गए, उसमें 1400 थे वो अफगानों भी मर गए थे। अफगानों की भारी तबाही हुई। सिख जवान आखिरी सांस तक लड़े और इन किलों को बचा लिए। जवानों ने उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने आखिरी सांस तक लड़ा और इस किले को बचाया, क्योंकि इस किले को बचाने के लिए उसने सोचा कि हमारी मृत्यु भी हो जाए फिर भी हम दुश्मनों को मारकर हम मरेंगे, हमें लड़ना तो जरूर है। इसलिए उसने जो अपनी आखिरी सांस तक उसने एक किले के लिए लड़ाई की और किले को बचा लिया। 21 जवानों ने 12,000 अफगानों की बुरी तरह हरा दिया था। 21 जवानों थे, उसने 12,000 अफगानों के जो बुरी तरह उसको हरा दिया था। जब यह खबर यूरोप पहुंची तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। स्तब्ध मतलब आश्चर्यचकित। तो पूरी दुनिया को यूरोप ये जो खबर है वह यूरोप पहुंची और उसके बाद पूरी दुनिया है वो स्तब्ध हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। ब्रिटेन की संसद ने सभी ने खड़े होकर इन 21 जवानों की बहादुरी को सलाम किया। ब्रिटेन की जो संसद है वहां सब लोग खड़े हो गए और ये जो 21 जवानों है बहादुरी को उसको सलाम दिया, उसकी हिम्मत को सलाम दिया, उसकी बहादुरी को सलाम किया। इन सभी को मृत्यु के उपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर थे। उसके बाद वो लोग उसने इस किले की रक्षा के लिए उसने अपनी जान पर खेलकर इस किले को बचाया। इसलिए संसद के जो सभी जवान हैं वो संसद में सभी लोग खड़े होकर इन 21 जवानों को उसको सलाम कर दिया और उसके बाद इन सभी मृत्यु के उपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। उसके बाद उस सभी को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर था। आज परमवीर चक्र के बराबर था। यूनेस्को ने इस लड़ाई को अपनी 8 महानतम लड़ाइयों में शामिल किया है। यूनेस्को है, उसने इस लड़ाई को अपनी 8 महानतम लड़ाइयों में उसने शामिल कर दिया। तो ये जो जवान है वह अपनी इस किले को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, लेकिन इस किले को उसने बचा लिया। तो हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शब्दार्थ नियुक्त करना, पहरे पहरे पर रहना, रहना
हमला मतलब आक्रमण, तैनात मतलब नियुक्त करना, पहरे पर रहना, पहरे पर रहना, रणबांकुरो वीर योद्धाओ, रणकुबारो मतलब वीर योद्धा। बाद में कब्जा करना, कब्जा करना अधिकार, अधिकार में देना, नेतृत्व नेतृत्व अगुवाई, अद्भुत मतलब अनोखा, उपरांत मतलब बाद में, कब्जा करना मतलब अधिकार में लेना, नेतृत्व मतलब अगुवाई, चुनना, सत्य सत्य मतलब सुनना, वर मतलब चुनना, सत्य मतलब सुनना, क्वेश्चन नंबर वन मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर वन है अफगानों ने कहां हमला किया, तो उसका आंसर है अफगानों वेस्ट फ्रंटियर 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 स्टेट में, स्टेट में हमला किया,
उसका क्वेश्चन है वे 3 किलो पर कब्जा करना चाहते थे, तो उसका आंसर है वे गुलिस्तान और लोकहार लोकहार के किलो पर कब्जा कब्जा करना चाहते थे। क्वेश्चन 3 है एक किले किसने बनाए थे, तो उसका आंसर है ए किले महाराणा 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 रणजीत सिंह ने बनवाए थे। आंसर नंबर 3 है एक किले महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाए थे। आंसर नंबर 4 उसका क्वेश्चन है सुरक्षा चौकी कहाँ बनी थी, तो उसका आंसर है सुरक्षा चौकी सारागढ़ी में बनी थी।
पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 3 सही विकल्प के सामने राइट और गलत के सामने रोंग का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट नंबर है सिख जवानों की संख्या हजार थी तो वो गलत है, इसलिए यहां गलत का चिन्ह आएगा। टू नंबर ईश्वर ईश्वर सिंह सिखों के नेता नेता थे तो गलत आएगा। फर्स्ट नंबर सिख जवानों की संख्या 2000 थी तो वो रॉन्ग है। टू नंबर ईश्वर सिंह सिखों के नेता थे तो वहां गलत का निशान आएगा। अफगानी बुरी तरीके से हारे तो वो सही है, तो सही का निशान लगाना है। फोर नंबर सैनिकों सैनिकों को परमवीर चक्र दिया गया ने इस लड़ाई को अपने आठ महानतम लड़ाइयों
शामिल किया तो वो सही है, तो सही का निशान लगाना है। तो थ्री नंबर अपनी बुरी तरह तरीके से आ रहे तो वो सही है। फोर नंबर सिख सैनिकों को परमवीर चक्र दिया गया तो वहां राइट है, तो राइट का निशान लगाना है। फाइव नंबर यूनेस्को ने इस लड़ाई को अपनी महानतम लड़ाइयों में शामिल किया तो वो सही है, तो सही का निशान लगाना है। होमवर्क पेज नंबर सेवेंटी फाइव शब्द लिखो वो आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। शब्द थे वो हिंदी की नोटबुक में आपको वन टाइम लिखना है। बाय।